और फिरौन का नाम सुना आपने? बहुत बड़ा हरामुद्दार था वो, दज्जाले वक्त था और जलाली पैगंबर के पाले पड़ा था हजरत मूसा के। हाँ, अरे खुदा बन गया हजरत, खुदा माजल्ला। उन्होंने क्या कहा, ओ लोगों मैं खुदा हूं, मेरी मेरी इबादत करो, मुझे सजदे करो। एक दिन ऐसा हुआ, एक साल कहत पड़ गया कहत, तो सारी रियाया अपने उस झूठे खुदा के पास आई, कहा महोदय जी, अरे मेरे परमात्मा महोदय, आपकी रियाया प्रजातंत्र बड़ी परेशान है, बारिश नहीं हो रही है, कुछ तो करम फरमाइए। बड़ा परेशान हुआ, कल आओ तो बताएंगे। फिर कल पहुंची पूरी जनता, कहा बस इंतजार कीजिए, बारिश होने वाली। तो शैतान जो अजिन्ना होते थे, शैतान लोगों ने जो उस दौर में भी जादूगर होते थे ना, उन्होंने उन्होंने ट्रेनिंग करी, ऐसा करना तुम सब मिल करके इन सब के खेतों में खूब पेशाब करो जाकर के, ताकि तुम्हारे पेशाब से इनके खेत भर जाएं। तो खूब पेशाब किया, खूब पेशाब किया, सारे के खेत भर गए, जलतल हो गए। तो लोग सुबह गए, देखा रहे खेत में पानी भरा हुआ, बदबू बहुत आ रही है। लोगों ने कहा ये कौन सा पानी बरसा है, बहुत बदबू धार है। कहा जैसा खुदा है वैसे उसकी बुराई। उसकी बारी है। तो उस मर्दूद, वो मर्दूद अपनी औकात भूल गया। वो जलाली पैगंबर को अल्लाह ने आदेश दिया, ए मूसा और हारून अलैहिस सलाम, सुनो, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा। क्या कहा रब ने हजरत मूसा से, वहां जाके जलाल मत दिखाना, गुस्सा मत हो जाना मेरे पैगंबर, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा, तुम दोनों जाओ फिरौन के पास, वो पगला गया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसके दिमाग में कीड़े पैदा हो गए हैं, उसका स्क्रू ढीला हो गया, जाओ दोनों जाओ। सुनो, जाने के बाद क्या करना, फकूला लहू कौलन लय्यना, उससे बड़ी प्यार से बात करना। देखिए ट्रेनिंग रब की, देखिए ओ जलाली पैगंबर, गुस्सा मत जाना, लड़ने मत लगना उससे, फकूला लहू कौलन लय्यना, तुम दोनों जाना फिरौन के पास, बड़े प्यार से बोलना, नरमी की बात करना, मोहब्बत से बात करना। क्यों, लाल लहू यतज़क और यक्ष, हो सकता है अल्लाह की बात मान ले, हो सकता है अल्लाह से डरने वाला बन जाए। अल्लाह का मतलब लाल लहू यतज़क और यक्षा, हो सकता है मान ले तेरी बात, जब तू प्यार से कहेगा, समझा बुझा के कहेगा, मोहब्बत से बात करेगा, तेरी बात सुनेगा। वैसे भी जो बातें प्यार से कही जाती है ना, बहुत ही दमदार, जो बात सख्ती से नहीं मानी जा सकती, वो बात मोहब्बत से मानी जाती है। एक छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है, 6 महीने का हो जाए ना, तो वो भी चेहरे के उतार चढ़ाव को जानता है। गलत, अगर आप गुस्से में उसे अपने गोद में लेना चाहें ना, तो आपके चेहरे की जो तहरीर है वो पढ़ लेता है 6 महीने को, जाएगा आपकी गोद में नहीं आएगा, लेकिन मुस्कुरा के हाथ बढ़ाए ना, तो भी मुस्कुरा के आपके हाथ पे आना चाहता है। बेशक, बेशक। तो अगर ये 6 महीने का बच्चा प्यार की बोली नहीं, प्यार का लबो लहजा समझता है, तो जो 60 फीट का आदमी 50 साल का सटिया गया, 60 साल का, वो ऐसे मान लेगा। रब ने क्या कहा, फकूला लहू कौलन लय्यना, इसे नरमी से बात करना, प्यार से समझाना इसे, शायद इसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो। हमें अपने तर्ज तबलीग को बदलना होगा। हाँ, ये बात बता दूं मैं आपको, वहाबी देवबंदी ये आसमान से बारिश की तरह बरसे नहीं है, ये जमीन से पौधे की तरह उगे नहीं है, जो बरसात में छुटके मुटके कीड़े नहीं, कीड़े में पैदा हो जाते हैं, ऐसे कीड़े नहीं है, ये हमारी जमात से टूट टूट के गए, हमारे सुन्नी जमात से निकल निकल के गए, इसलिए कि मौलवी लोग पढ़ाते नहीं बेचारे, इल्ला माशाल्लाह, खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं, तब कौन, अरे जब मौलवी नहीं पढ़ता तो हम क्यों पढ़ने जाए,
तो मौलाना बन क्या नहीं पढ़ रहा, देखो बजरिए में घूम रहा है, नमाज का टाइम हो गया। तो बड़े अदब से अर्ज है साथियों, दोस्तों, उलमा, हमारी बिरादरी के लोगों, जब वक्त नमाज हो जाया करे, हर काम छोड़ के तुम पहले ही फुर्सत में अल्लाह के घर में पहुंचा करो, इसलिए कि तुम डायरेक्टर हो, और जब जिसको आप डायरेक्शन देंगे ना, वो पहले ये देखेगा ये मौलाना खुद नमाज पढ़ता कि नहीं पढ़ता। हम नमाज खुद दे नहीं पढ़े और आपको तकरीर झाड़ा कि सम्मनपुर के लोगो नमाज पढ़ो, और यही नमाज मगरिब की ओर मैं यही ठास से बैठा रहा हूं। मुल्ला जी सठिया गए, आप खुद दे नहीं पढ़ते, हमको खिताब फरमाते हैं, कोई दम नहीं होता है ऐसी तकरीरों में। खिताब करने से पहले खुद अमल करना होता है। हजरत उमर की बारगाह में खातून आई थी ना, उन्होंने कहा हुजूर मेरा बेटा भेली बहुत खाता है गुड़। अरे भेलिया समझते हो नहीं समझते हो, हाँ बहुत गुड़ खाता है, तो मना कर दीजिए। अच्छा कल आना। गई बुढ़िया गुड़ बेटे को लेके कल हजरत उमर की बारगाह में, तो हजरत ने फरमाया बेटे गुड़ मत खाया करो, और कुछ नहीं कहा। कहा हजरत इतनी बात के लिए फिर से बुलाया आपने, इतना ही कहना था कल ही कह दिए होते। तो फरमाते हैं कल तक तो मैं खुद ही खाता था भेली, मैं खुद ही गुड़ खाता था, मैं कहता तो मेरी नसीहत का असर थोड़ी पे होता, मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया है, अब नसीहत कर रहा हूं तो इसके दिल पे नसीहत असर करेगी। आखिरी बात, एक घंटा 20 मिनट होने को आ रहे हैं, तो कल ढोंडू में है तकरीर, क्या नाम है? ढोंडू जी, ढोंडू जी, डोंडो बस खारी, डोंडो बस खारी।